हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। वहीं पाकिस्तान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जम्मू कश्मीर से लगी नियंत्रण रेखा पर करीब 513 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस बात का खुलासा भारतीय सेना की ओर से जारी एक बयान के जरिए हुआ है। सेना के एक उच्च अधिकारी के मुताबिक भारतीय सुरक्षा बलों ने भी पाकिस्तान की गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत की ओर से की गई कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। साथ ही सेना ने यह भी बताया कि पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम उल्लंघन के दौरान 100 से ज्यादा बार मोर्टार और तोपों जैसे भारी हथियारों का इस्तेमाल किया और भारतीय रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। गौरतलब है कि पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के ठिकानों पर भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को कार्रवाई की थी और वायुसेना की इस कार्रवाई के बाद से पुंछ और राजौरी जिलों में पाकिस्तान ने लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की ओर से की गई नापाक फायरिंग में 4 सुरक्षा कर्मियों समेत 10 लोगों की मौत हो गई और करीब 45 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों में अधिकतर आम नागरिक हैं।